फिल्म इंडस्ट्री में हर तरह का वक्त काटा है। फिल्म मोहब्बतें के बाद उनकी दूसरी पारी शुरू हुई थी। इससे पहले अमिताभ बच्चन फाइनेंशियली क्राइसिस में भी डूब चुके थे, लेकिन यशराज की फिल्म मोहब्बतें से उनकी किस्मत चमक गई थी। बता दें कि अमिताभ के लिए इस फिल्म के बाद कई डायरेक्टर्स की लाइन लगना शुरू हो गई थी। उन्हीं में से एक थे बोनी कपूर। बोनी कपूर अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, जिसकी मेन लीड थी ऐश्वर्या राय बच्चन और एक्टर थे विवेक ओबेरॉय। अमिताभ बच्चन ने इस दौरान बोनी कपूर को जल्दी इस फिल्म के लिए हाँ नहीं कहा, उल्टा लटकाए रखा, जिसकी एक वजह ये थी कि अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक के लिए बोनी कपूर को तैयार किया। अमिताभ बच्चन की तरह अभिषेक का तारा बुलंद नहीं हो पा रहा था और ऐसे में अमिताभ बच्चन ने बोनी कपूर के आगे रख दी डील। अमिताभ बच्चन ने बोनी कपूर से फिल्म के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपनी डिमांड भी रखी। अमिताभ बच्चन ने बोनी कपूर से कहा कि वो बोनी के इस फिल्म में काम तभी करेंगे जब बोनी कपूर अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक को अपनी अगली फिल्म के लिए कास्ट करेंगे। अभिषेक का करियर उस वक्त काफ़ी हिचकोले खा रहा था। अभिषेक ने कई फिल्में तो की थी, लेकिन सब की सब फ्लॉप थी, जैसे कि शरारत, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मुंबई से आया मेरा दोस्त, कुछ ना कहो, ये सारी फिल्में फ्लॉप थी। ऐसे में बोनी ने भी अमिताभ बच्चन को बताया कि वो अगले प्रोजेक्ट के तौर पर एक नई मूवी रन बना रहे हैं, जिसमें वो अभिषेक को काम जरूर देंगे। लेकिन आपको बता दें कि अभिषेक की फिल्म रन भी बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं चल पाई, लेकिन इस फिल्म में अभिषेक की इतनी चर्चा नहीं हुई जितने की कौवे बिरयानी के सीन की चर्चा हुई। जी हाँ, अभिषेक को तो फिल्म में काम लोगों ने कम ही याद रखा, लेकिन सबकी नज़रें उस सीन पर अटक गई जहाँ पर कौवा बिरयानी कॉमेडी करने वाले करेक्टर विजय राज आ गए थे। इसके अलावा फाइन एक्टर पंकज त्रिपाठी भी पहली बार इस फिल्म में नोटिस किए गए थे, तो इस वजह से खेल खेला था अमिताभ बच्चन ने बोनी कपूर के साथ, जहां पर उन्होंने अभिषेक को आगे लाने के लिए अपनी कोशिश तो की, डील तो रखी, लेकिन उसके बावजूद भी वो फेल हो गए। नेक्स्ट हाईलाइट्स, रजनी की रिपोर्ट।